Hey friends, what is up? Welcome to another video. I am your friend Rahul and it's Kuri Tech Rahul. Let's start it. So friends, आज हम सीखेंगे pizza बनाना. मैं जानता हूँ आप सभी को pizza बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है. तो कितना easily आप एक pizza बना सकते हो. आज के video में हम आपको ये दिखाएंगे. Cheese, mozzarella, mayonnaise. ये normal cheese. जो क्यूब और स्लाइस मिलता है ना आपके आसपास के हर दुकान में, उन चीज़ से आप पिज़्ज़ा बना सकते हो. तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग. पिज़्ज़ा के लिए तीन प्रोसेस है. एक है पिज़्ज़ा डो बनाना, दूसरा है पिज़्ज़ा टॉपिंग्स बनाना और तीसरा है पिज़्ज़ा का सॉस है वो बनाना. और चौथा में तो आप पिज़्ज़ा को सब कुछ को एक साथ डाल के मेक कर ही लोगे. तो कोई बड़ी बात नहीं है. आपको तीन स्टेप बाई स्टेप दिखाऊंगा. इसलिए वीडियो थोड़ा सा एक और पर्सन हो जो आपको हेल्प कर सके तो 20 मिनट भी नहीं लगेगा आपको एक पिज्जा बनाने के लिए. है ना बहुत इंटरेस्टिंग. तो चलिए पिज्जा मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पिज्जा बनता है. वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा इसलिए आप इतना तो कर ही सकते हो ना पिज्जा खाने के लिए, क्योंकि कोई ओवन नहीं लगेगा, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं लगेगा, घर का सामान से आसानी से पिज्जा बन जाएगा. तो थोड़ा वीडियो तो देखना ही पड़ेगा ना आपको. पसंद आया वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना और मिलते हैं आपको पिज्ज़ा. पिज्ज़ा डो बनाना बहुत इजी है. इसके लिए आपको चाहिए एक कटोरी मैदा और इस कटोरी के 1/4 कटोरी चाहिए आपको आटा. तो अब हम इस आटे को भी इसके साथ मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सॉल्ट उसके अंदर दे के मिक्स करना होगा. अब बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर लेना, उसको एक कटोरी में थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लेना. और मिक्स करने के लिए आप यूज़ करना ऑयल. तो ऑयल से बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को अच्छे से मिक्स कर लेना. अब इस मिक्सचर दही और जो मैदा और आटा का मिक्सचर है और सॉल्ट, थोड़ा सा ऑयल और पानी से कुछ इस तरह से आटा भून लेना आप लोग. तो मम्मी से बोल देना या फिर जो भी आप आटा अगर खुद भी भून सकते हो तो देखना, एक अच्छे से फ्लफी सा आटा रेडी हो जाएगा. इसको ही हम पिज़्ज़ा डो के लिए यूज़ करेंगे. तो इस आटा को थोड़ा आप देख सकते हैं इतना फ्लफी है कि मैं अगर प्रेस भी करूँ ना तो बाहर निकल के आ जाएगा. बहुत अच्छे से ये आटा मिक्सचर हो गया है और अब हम इसको थोड़ा सा रेस्ट करने देंगे. तो आपके पास अगर कोई कपड़ा हो तो उस कपड़े से और अगर प्लास्टिक हो तो प्लास्टिक से आप ऐसे तरीके से मंगवा के सिंपल से एक मिनट के अंदर पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए आपको ये सब चाहिए. यहाँ पर टमाटो सॉस है, यहाँ पर है सेजवान सॉस, यहाँ पर है ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो और ऑरिगैनो चिली पेस्ट. इन सबको मिक्स कर लेना, आपका बेसिक सा सिंपल सा सॉस रेडी हो जाएगा. पर अगर चाहो आप इस तरीके का पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए, ये भी बहुत सिंपल है, आप जो ऑनियन है और गार्लिक है उसको अच्छे से चॉप कर लेना, उसको ऑयल में डाल के थोड़ा देर पकाने के बाद 2 टमाटर का जो पेस्ट है, मतलब मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट करने के बाद 2 टमाटर का पेस्ट उसमें डाल के थोड़ा देर मिक्स करना अच्छी तरह से उस ऑनियन और गार्लिक के साथ. और मिक्स करते करते जब उसका पानी वेपराइज हो जाएगा, टमाटो का पानी वेपराइज हो जाएगा, तब आप ऐसे कुछ आपको प्रोडक्ट मिलेगा. इसके साथ मैंने थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाने के लिए नॉर्मल रेड सॉस, मतलब टमाटो सॉस और चिली सॉस मिक्स किया है, तो आप वो कर सकते हो. और इसमें थोड़ा सा विनेगर और चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो डालना मत भूलना और आपका रेडी हो जाएगा इटालियन पिज़्ज़ा सॉस. तो ये भी बहुत सिंपल है, 5-7 मिनट आपको हार्डली टाइम लगेगा, आप ये भी बना सकते हैं. और वो 1 मिनट के अंदर हो जाएगा नॉर्मल जो सॉस है मिक्स करके सब कुछ, तो आप वो भी बना सकते हो, अब आपका मर्जी है. अब पिज़्ज़ा का टॉपिंग्स बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रेश टोमेटो, कैप्सिकम और अनियन. और मेरे पास कुछ चिकन पड़ा हुआ है, मैं आप चिकन यूज़ भी कर सकते हो, नहीं भी यूज़ कर सकते, आप पनीर भी यूज़ कर सकते हो, तो जो आपको मन चाहिए आप वो यूज़ कर सकते हो. तो मैं तो यहाँ पर टोमेटो, कैप्सिकम और अनियन और चिकन यूज़ करने के सोच रहा हूँ. तो चलिए निकाल लेते हैं ये सब, आपके यहाँ पर ही रहेंगे. चलिए आप भी इंग्रेडिएंट्स के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर है कैप्सिकम, अनियन, टमाटर और मैंने कुछ चिकन बॉईल कर रखा है. तो
नॉर्मल से बॉयल है चिकन, तो हम ये सब को यूज़ करेंगे। तो बनाते हैं टॉपिंग्स, और बहुत इजी है, मतलब 2-5 मिनट लगेगा शायद हार्डली। तो हम टॉपिंग्स बना लेते हैं जल्दी से जल्दी। अब कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालिए, और ऑयल ही यूज़ करना, घी और बटर मत यूज़ करना, वो अच्छा नहीं होगा। और इस ऑयल में पहले थोड़ा सा जो प्याज कटा हुआ था और वो डाल लीजिए। थोड़ा देर प्याज को पकने दीजिए, मैं पूरा प्याज ही डाल लेता हूँ यहाँ पर, एक सेकंड। और अब प्याज को थोड़ा देर पकने के बाद आप डाल लीजिए टमाटो और कटा हुआ कैप्सिकम। अगर आप मशरूम यूज़ कर रहे हो, कॉर्न यूज़ कर रहे हो, तो वो सब भी आप डाल सकते हो, बट मशरूम और कॉर्न थोड़ा देर बाद डालना, क्योंकि कॉर्न बहुत जल्दी पक जाता है। इसलिए अगर नॉर्मल ही यूज़ करो तो थोड़ा देर इसको मिक्स कर लेना अच्छे से। अब इसमें मैं जो मेरा कटा हुआ चिकन है उसको डाल देता हूँ। मैं बोनलेस चिकन बॉयल कर लिया था और उसको छोटा छोटा पीस में कट कर लिया है, तो इसमें डाल देता हूँ। अगर आपके पास पनीर हो तो पनीर डाल सकते हो, और अगर आप कॉर्न और मशरूम यूज़ करते हो तो इस स्टेप में आप ये सब डाल के ऐड कर लेना। 2-3 मिनट हम इसको अच्छे से पकाते हैं, और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। जैसे कि मसाला तो नहीं है, कुछ बेसिक सा चीज़, जैसे कि हम इसमें ऐड करेंगे पहले सॉल्ट, और उसके बाद हम थोड़ा सा चीनी ऐड करेंगे, मतलब शुगर, और उसके बाद हम ऐड करेंगे ये ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स। पहले चिली फ्लेक्स थोड़ा सा, और उसके बाद ऑरिगेनो, और आप मिक्स्ड हर्ब भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इटालियन में होता है ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स बहुत ज़्यादा यूज़, तो इसलिए हम ऐड कर लेंगे। और इस सबको थोड़ा देर और मिक्स करने के बाद, मतलब 1-2 मिनट, ज़्यादा नहीं रखना क्योंकि क्रंच नहीं तो चला जाएगा। उसके बाद हम इन सबको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मेरे थोड़ा ऑयल ज़्यादा हो गया है, बट ठीक है, चलता है। और अब हम इसको रख देंगे थोड़ा देर फ्रिज में। तो अब हम मेन पिज़्ज़ा बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें यहाँ पर डो चाहिए, पिज़्ज़ा डो, और ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स, और हम यहाँ पर यूज़ कर रहे चीज़ जो नॉर्मल है, मैं मोज़रेला भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं एक 15-15 रुपए में मिल जाता है क्यूब चीज़ और स्लाइस चीज़। मैं एक पिज़्ज़ा अगर आप बनाना चाहो तो एक क्यूब चीज़ और एक स्लाइस चीज़ से आपका काम हो जाएगा। तो आप ये 15-15-30 रुपए में एक एक करके ले कर आ सकते हो। तो ये सब ही आपको चाहिए, और आपको यहाँ पर चाहिए पिज़्ज़ा सॉस और पिज़्ज़ा टॉपिंग। बस हो गया आपका पिज़्ज़ा रेडी। तो आप चलते हैं पिज़्ज़ा डो को बेल लेते हैं। तो पिज़्ज़ा डो बेलने के लिए आप इस तरीके से गोल गोल डो बना लीजिए, उस बड़ा डो से। ऐसा ही गोल गोल डो बनाने के बाद आप मम्मी को बोल सकते हो, आप खुद भी बेल सकते हो। मैं यहाँ पर खुद भी बेल लेता हूँ। थोड़ा सा मैदा छिड़क के और आटा छिड़क के आप इसको, मैंने यहाँ पर 3 डो बनाया है, आप जितना भी क्वांटिटी चाहो बना सकते हो, आप इसको बेल लेते हैं। अब यहाँ पर मैं बेल चुका हूँ, और बेलने के बाद थोड़ा हैंड से ऐसा करके थोड़ा पिज़्ज़ा डो को एक्सटेंड कर लिया हूँ, क्योंकि नॉर्मली पिज़्ज़ा जो है वो हाथ से ही, मतलब ऐसा गोल कर दिया जाता है नॉर्मली, बट हम तो उतना एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए हम बेलन के यूज़ करने के बाद हाथ से थोड़ा इसको बढ़ा लेंगे। और अब हम करते हैं यहाँ पर पिज़्ज़ा प्रिपरेशन। तो इसके लिए पहले आप एक कढ़ाई ले लीजिए, और सबसे बेस्ट होगा तवा, जो नॉनस्टिक का तवा है उससे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कढ़ाई में थोड़ा सा, मतलब साइड जो है वो थोड़ा छोटा होता है, बट आप अगर नॉनस्टिक तवा यूज़ करोगे तो सब प्लेस में पिज़्ज़ा डो के हर प्लेस में अच्छे से हीट जाएगा। तो ऐसी तरीके से पहले आप कढ़ाई में पिज़्ज़ा डो को सेट कर लीजिए यहाँ पर तवा में। के बाद इसमें फोक से इस तरीके से छेद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि छेद करने से पिज़्ज़ा डो फूलेगा नहीं, अगर फूल जाएगा ना तो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए अच्छी तरीके से हर प्लेस में आप फोक से इस तरीके से छेद कर लेना। और एक बात जो है वो है, फ्लेम आपको हमेशा लो में रखना है। आप अगर ज़्यादा फ्लेम दे दोगे तो पिज़्ज़ा आपको नहीं अच्छा बनेगा। अब इसको ढक देते हैं थोड़ा देर के लिए, पीछे की तरफ और आगे तरफ दोनों तरफ से सेकेंगे। पहले पीछे की तरफ से थोड़ा सेक लेते हैं, और इसको देखिए आप थोड़ा थोड़ा अभी भी फूलना स्टार्ट हो गया है। और फिर से हम थोड़ा देर के लिए इसको ढक देते हैं, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट या फिर 3 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखिए
मतलब थोड़ा थोड़ा शायद सेक हो गया है, मैं इसको पलट देता हूँ, क्योंकि जो इस साइड है इसको हम बेस की तरह यूज़ करेंगे और पीछे के साइड मतलब अब इसको पलटने के बाद जो साइड होगा उसको हम पिज़्ज़ा बेस के तरफ यूज़ करेंगे, मतलब इसमें ही हम सारे टॉपिंग्स और जो सॉस है उस प्लेस करेंगे। देखिए आप यहाँ पर एक अच्छे सा कलर आ गया है, बट मैंने थोड़ा कम सेका है, आप और थोड़ा ज़्यादा सेक लेना क्योंकि मेरे पास टाइम अभी नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैंने थोड़ा कम सेका है। अब इसमें पहले हम इसको अच्छे तरीके प्लेस करने के बाद हम लगा देते हैं यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस, और पिज़्ज़ा सॉस लगाने में कंजूसी मत करना, अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगाना क्योंकि इसका ही ज़्यादा टेस्ट आएगा हमें। और पिज़्ज़ा सॉस लगा देते हैं अच्छे तरीके से, और अब और थोड़ा पिज़्ज़ा सॉस ले लेके अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लग, और अब बारी है चीज़ का, अगर मोज़रेला होता ना तो अच्छा सा चीज़ पूरा था, बट कोई नहीं, इससे ही हम पूरा इसको चीज़ से ढक देंगे। अब ग्रेटर से हम ग्रेट करते हैं अच्छे तरीके से, और पूरा प्लेस में अच्छे से चीज़ को पहले मतलब ग्रेट करके रख देते हैं। पूरा पिज़्ज़ा बेस में अगर चीज़ नहीं होगा ना तो मज़ा नहीं आएगा, पूरे में अच्छे से चीज़ को ग्रेट करना। आप अच्छे से ग्रेट करने के बाद कुछ इस तरीके से लगेगा, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम देंगे चीज़ स्लाइस, इसको पूरे में छोटा छोटा स्लाइस करके पूरे पिज़्ज़ा में अच्छे से दे देंगे, क्योंकि जब गलेगा ना इसका तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा पिज़्ज़ा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अगर मोज़रेला हो तो सिर्फ मोज़रेला से काम हो जाएगा। अब हम दे देंगे इसके ऊपर टॉपिंग्स, टॉपिंग्स देने में आपको कंजूसी नहीं करना है, अच्छे से पूरे पिज़्ज़ा में टॉपिंग देना है। आप एक ही पर नहीं है, मुझे थीम बनाना पड़ रहा है इसलिए टॉपिंग्स थोड़ा कम पड़ गया, बट कोई नहीं। और अच्छे से मैं टॉपिंग्स दे दे के बाद इसमें मैं थोड़ा नॉर्मल कच्चा हुआ मतलब सब्जी ऐड करूँगा, जैसे प्याज और टमाटर, इससे क्या होगा एक अच्छे सा क्रंच आएगा, क्योंकि नॉर्मल जो पक जाता है ना सब्जी, मैं ऐसे भी नॉर्मल थोड़ा सा ही पकाया है बट फिर भी एक कच्चे सब्जी का क्रंच कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है। इसके बाद उसके ऊपर थोड़ा और चीज़ ग्रेट करेंगे, क्योंकि सब्जी को होल्ड करना है ना, तो चीज़ ग्रेट करेंगे तभी तो मज़ा आएगा। थोड़ा सा और चीज़ ग्रेट कर लेने के बाद हम देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब हम इसको लो फ्लेम में ही है कि गैस, गैस को हाई मत करना, लो फ्लेम में अब 5 मिनट के लिए छोड़ देना। 5 minutes later. तो 5 मिनट हो गया है, अब देख लीजिए क्या ही लग रहा है पिज़्ज़ा। ओहो हो, मेरे कैमरे में थोड़ा फॉग आ गया है क्योंकि जो भाप है वो निकल के, तो मैं पहले कैमरा साफ करके आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। अब देखिए ओह क्यों लग रहा है ना, बहुत अच्छा टेस्ट भी अच्छा होगा। पिज़्ज़ा का चीज़ जो है गल गया है, सारी सब्जी पका हुआ है। बेस को मैं उठा के आपको दिखाता हूँ अभी, कितना अच्छे से बेस भी पक गया है, क्रिस्पी हो गया है, थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है आपका। देखिए बेस कितना अच्छा पक गया है, अब इसको प्लेट में रख देते हैं और एक अच्छा सा शॉट ले लेते हैं। आप भी एंजॉय करो, और हम इसको काट लेते हैं। और क्या चाहिए भाई, ओरिगानो छिड़को और सॉस लगा के खाना शुरू कर दो। 3 पिज़्ज़ा बनाया था ना, ये थर्ड पिज़्ज़ा है। सेकेंड पिज़्ज़ा का फुटेज फर्स्ट में था, फर्स्ट पिज़्ज़ा तो आपको दिखाया ही है, और ये थर्ड पिज़्ज़ा, इसमें थोड़ा चीज़ बच गया था एक्स्ट्रा, तो कुछ ज़्यादा ही चीज़ हो गया है, और ओरिगानो चिली फ्लेक्स मतलब छिड़क दिया है, और क्या ही लग रहा है, मुंह में पानी आ रहा है ना। तो जल्दी से जल्दी जाओ और बनाओ पिज़्ज़ा और खाना शुरू कर दो। तो पिज़्ज़ा कैसा लगा, अच्छा था ना? आप भी ट्राई कीजिए, घर में बैठे बैठे क्या करना है, क्वारंटाइन है, बाहर नहीं जा सकते, थोड़ा सा ही चीज़ लेगा और एक आसानी से घर में बनने वाला अच्छा सा पिज़्ज़ा बना लीजिए। तो क्यों, पसंद आया ना वीडियो? वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, जिससे आपके भी फ्रेंड्स ये पिज़्ज़ा बना पाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, नया हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाना, और इतना तो वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ता ही ना।
तो और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा थोड़ा लंबा हो गया इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आज के लिए इतना ही, नमस्ते। अगर आप पिज़्ज़ा बनाओ